नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पार्क पर। तो इस समय आप सभी लोगों को पता है बीएड बीटीसी का मामला बहुत चर्चा में है, तो उसी को लेकर के आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट्स होगा जो लखनऊ में एक बड़ा धरने का आयोजन किया जा रहा है और NCTE से मिलने पहुँचे बीएड साथी, तो उसमें क्या हुआ उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। बीएड को प्राथमिक पर शामिल करने पे NCTE ने क्या जवाब दिया है इस पर भी चर्चा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो उसका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था उस पर रिव्यू पटिशन कब तक फाइल होगी इस बारे में चर्चा करेंगे, और सरकार का भी पक्ष जानेंगे कि सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। और दूसरा, जो BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बीएड अभ्यर्थी उसको किस तरीके से लें। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली बात आ रही है कि लखनऊ में बड़ा धरना, तो जो उनके देवेश साथी उनके साथी हैं वो लखनऊ में कल बड़े एक धरने का आह्वान उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। तो अब जो कुछ भी होगा कल धरने में वो लोग अपनी बात रखेंगे, या कोई जवाब उधर से आता है तो कल आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो NCTE पे आज देवेश शर्मा उनके दो साथी मिलने पहुंचे थे वहाँ, तो जो अध्यक्ष है NCTE के, लेकिन वो किसी कारणवश मिल नहीं सके। तो वहाँ पे उनके एक लीगल मेंबर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही कोई जानकारी जो आप लोगों के लिए है वो जल्दी ही आप लोगों को दी जाएगी। और बीएड को प्राथमिक में शामिल करने पे NCTE ने जवाब दिया था अभी कुछ दिन पहले, जो इंटरव्यू में एक जो इनके चेयरमैन हैं अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि जो अब स्टेजेज हैं नई पॉलिसी में वो चार कैटेगरी में बढ़ गई हैं। तो इसमें कोई ऐसा विद्यार्थी जो बीएड कर ले सपोज दैट तो 1 से 12 तक नहीं पढ़ा सकता है। तो उन्होंने भी गोल मोल बातों को किया लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की। उन्होंने भी कहा है कि इस पे काम चल रहा है और जैसा कुछ हमें निर्देश मिलेंगे सरकार की तरफ से या जो भी हमारा जो भी एस्पेक्ट होगा वो हम जल्दी ही आप लोगों के सामने रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पटिशन कब तक फाइल होगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आया था उसको लेकर के रिव्यू पटिशन कब तक फाइल होगी। तो ये सोशल मीडिया पे एक वायरल न्यूज़ चल रही है कि NCTE सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आया है उस पर कोई रिव्यू पटिशन फाइल नहीं करेगी, लेकिन इसमें कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जो ऑफिशियल बयान नहीं है, तो इसको कितनी सत्यता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वायरल न्यूज़ थी तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। बाकी इस ये ऑफिशियल नहीं है तो इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ ये नहीं कहा जा सकता। और जो अगला है सरकार का पक्ष, ये तो आप शुरू से ही देख रहे हैं कि सरकार इस मामले पे बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है, कोई बयान कहीं से कोई निकल करके नहीं आ रहा है, जबकि उनको चाहिए था कि इस पे बयान जारी करें जिससे जो बीएड अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं चिंताग्रस्त हैं वो अपने आगे की तैयारी को दिशा दे सके। लेकिन नहीं, सरकार तो बिल्कुल कान में उंगली डाले बैठी है कि उसको कुछ इस पे जवाब देना ही नहीं। तो अगला जो विषय है वो ये कि जो BPSC का एग्ज़ाम है, जो BPSC का एग्ज़ाम अभी 24, 25, 26 में होने जा रहा है, उसमें भी कई बीएडधारी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया है और वो लगातार परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि वो पेपर देने जाएं कि ना जाएं, और जो भी पेपर देने जाएंगे तो बाद में उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसको भी लेकर के जो BPSC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं करी है कि बीएड अभ्यर्थी शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो भी बातों को गोल मोल घुमा रहे हैं, उनके 2-3 ट्वीट्स हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए थे तो उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि क्या बीएड के अभ्यर्थियों को करना है क्या नहीं करना है। तो बीएड के अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी मुश्किल है, तो हमें लगता है इस पर जल्दी से जल्दी NCTE या सरकार कोई कड़ा एक्शन ले और उस पर जो भी नए नियम या जो भी है वो जल्दी से सामने रखे ताकि जो बीएड अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं वो अपनी असमंजस को दूर कर सकें और जो भी आगे का उनका कैरियर है उस पर वो ध्यान दे सकें। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी
आप वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।